हे एवरीवन, मैं संतोषी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल माय कॉलेज पट्टी में। और आज के इस वीडियो में हम जिस इंस्टीट्यूट का जो है रिव्यू करेंगे उसका नाम है लेक्सिकॉन माइल्स, जो कि पुणे में लोकेटेड है। इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में जानेंगे, ये कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों को ऑफर करता है इसके बारे में जानेंगे, इसकी फैकल्टीज के बारे में जानेंगे, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आज के इस वीडियो में जो है मैं क्लियर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता लग पाए कि लेक्सिकॉन माइल जो कि पुणे में लोकेटेड है उसमें एडमिशंस जो है वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में जानते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2009। और वहीं अगर इसके हाइलाइट्स की बात की जाए तो 9 मंथ जो है ये पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है, 10 एडिशनल सर्टिफिकेट्स भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। वहीं एमबीए के लिए आप लोगों को क्वालिफाई यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को एमबीए के लिए चाहिए 55% आप लोगों के ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, जो कि आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। वहीं अगर आप लोग जो है एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 5% का जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है आप लोगों के लिए, यानी कि 50% पे आप लोगों को इजीली है एडमिशंस दे दिए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि यहां जो एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को क्लियर करने होते हैं, इन्होंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट के ऊपर अपना एंट्रेंस एग्जाम का नाम रखा हुआ है, जिसका नाम है लेक्सिकॉन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जिसे LAT भी कहा जाता है। यहीं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर जो है नॉमिनल है, इतना ज्यादा हाई नहीं है। स्टूडेंट्स वगैरह इजीली यहाँ पे जो है एडमिशन ले सकते हैं, बस उन्हें अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना होता है, क्योंकि लेक्सिकॉन माइल जो कि पुणे में लोकेटेड है उसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर किया है उस पर भी थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है। और अगर देखा जाए तो आप लोगों के जो है पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी देखा जाता है, साथ में ग्रुप डिस्कशन होता है आप लोगों के लिए ही, और फिर उसके बाद सिलेक्शन राउंड होता है, उसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होता है पर्सनल इंटरव्यू में तो इजीली आपको यहाँ जो एडमिशंस दे दिए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके एडिशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम की, तो मैं आप लोगों को बता दूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, जर्मन लैंग्वेज हो गया, वहीं डिजिटल मार्केटिंग हो गया, MS ऑफिस हो गया, वहीं फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, वहीं अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, ये सारे जो है स्पेशलाइजेशन है MBA के यानी कि मास्टर्स बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। और साथ में अगर इसकी फीस की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ की जो PGDM की फीस आप लोगों को प्रोवाइड करनी होती है, देनी होती है, पे करनी होती है, यानी कि वो होती है 8,90,000 तक जो है यहाँ की PGDM फीस है। अगर वही बात की जाए कि यहाँ के MBA की फीस कितनी आप लोगों को पे करनी होती है, तो MBA की फीस आप लोगों को 8,40,000 तक जो है वो पे करनी होती है। साथ में बात की जाए यहाँ की फैकल्टीज की, तो यहाँ की फैकल्टीज भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलेगी, हर चीज में जो है आप सेटिस्फाई होंगे, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो हॉस्टल के मामले में हो, या मेस फैसिलिटीज के मामले में हो, स्पोर्ट्स के मामले में हो, मेडिकल, स्टेशनरी, डिसेंट क्लासरूम, लाइब्रेरीज वगैरह, ये आप लोगों को विद इन कैंपस जो है देखने के लिए मिल जाएगा। काफी अच्छा कैंपस है यहाँ का, काफी बड़ा कैंपस है, और स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाई होते हैं यहाँ पे एडमिशंस वगैरह लेने के लिए, और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं ताकि उन्हें इजीली यहाँ पे जो है एडमिशंस वगैरह दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ की हर चीज जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा सही जाता है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया MBA की फीस आप लोगों को 8,40,000 तक जो है पे करनी होती है, PGDM की 8,90,000 तक पे करनी होती है, साथ में अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस आप लोगों को जो है देनी पड़ती है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है और उसे कंटिन्यू करना है इस इंस्टीट्यूट से। और जो है काफी सारी कंपनीज जो है 300 कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं, और काफी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि लाइक वो किसी ना किसी कंपनीज का जो है इंटरव्यूज वगैरह जो क्रैक कर ले इजिली, अगर एक का नहीं कर पाए तो उनके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं कि वो दूसरे का कर ले। और काफी अच्छी कंपनीज जो होती है वो विजिट करती है, लाइक जोमेटो हो गया, विप्रो हो गया, IBM हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और भी कंपनीज जो है बहुत ज्यादा ही अच्छी अच्छी जो है और जिनकी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा सही जाती है वो कंपनीज आती हैं यहाँ पे। और काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, उनको अपने साथ लेके जाती है और बहुत सारे ऑप्शन उन्हें दिए जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें दी जाती है, साथ में वो लोग अपना करियर जो है उसे बना सके और अपना फ्यूचर जो है पूरी तरह से सेट कर सके। अगर वो लेक्सिकॉन माइल पुणे से अपना स्टडी को कंप्लीट करते हैं तो उनकी डिग्री भी जो है पूरी तरह से वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि
यहाँ के बहुत सारी अच्छी चीजें उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है, एजुकेशन से हट के काफी चीजें उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है, उनकी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जो है ध्यान दिया जाता है। साथ में आप लोगों को बता दूं कि 2022 का प्लेसमेंट जो यहाँ का देखने के लिए मिला था, हाईएस्ट प्लेसमेंट वो देखने के लिए मिला था 18 लाख पर एनम तक का। और वहीं अगर बात की जो एवरेज प्लेसमेंट कितना देखने के लिए मिला था, तो 7.1 लाख पर एनम तक इसका एवरेज प्लेसमेंट देखने के लिए मिला था, यानी कि यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो भी काफी हद तक जो है ठीक है और स्टूडेंट इस वजह से भी जो है सेटिस्फाई होते हैं। काफी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं अगर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशंस लेते हैं तो पहले उसके बारे में जानते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं विजिट करते हैं कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह में और वहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनसे पहले मिलते हैं, पूछते हैं उनसे प्लेसमेंट के बारे में हो गया, फीस स्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कोर्सेज के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या अलग अलग फीस पे की जाती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें पूछ कर ही पूरा रिसर्च कर कर ही वो जो है एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं। उसी तरह से जो है यहाँ पर भी आपको जो है A1 फैसिलिटीज़ जो है देखने के लिए मिलेगी एजुकेशन के मामले में या हर चीज़ के मामले में। तो ऑल ओवर ये जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से आप एडमिशन्स लेके अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे हटके मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी कॉलेजेस या कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दे दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इजिली क्लियर कर दिया जाएंगे, बट डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल आउट करना जरूरी है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो और जिससे आप बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सके, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम आगे से उसी कॉलेज का जो है रिव्यू करें। साथ में आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।